जे कोई आपां कोलों पाठ पूजा रब करा भी लैंदा ओदे पिछे मंगा ही होंदी है आखो सतनाम वीजा लग जाए ये कोई कर भी रहे हैं सिमरन बाणी मकान छोटा है वड्डा मिले ये कर भी रहे हैं कोई बाणी पाठ दी हाजरी कारज हो जान व्याह दे कारोबार चल पे किसे विरलिया के हिस्से वो किस वास्ते चौंकड़े मार रहे ने तेरे दर्शन चाहिए तेरे दीदारे चाहिए हमने तुम पढ़े कांखी एक दर्श तुहारो एक छनवी जेड़े तेरे दर्शन मंगदे मेरा मैनू उन्हों का पला ही फड़ा दे नानक उन संग होए जिस जन को प्रभ दर्श दिया नानक ताके पल पल भगत रविदास इतने पहुंचे दर्शन पिछे चौंकड़े बहुत जन्म बिछड़े थे माधुए जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन मैं भले हारे प्यास तरस की भले हारे बलहारे जावा जी जना मैं प्यास तरस दी कीती मैं बलहारे जावा जी जना ने प्यास तरस दी कीती एकदम नहीं हो गया ये सारा गढ़ी गुरुद्वारा है फिरोजपुर बाबा नंद सिंह बाबा जवान सिंह लकड़ा चुननिया उन्हों वेच के सीधा लेना फिर सुचमता नाल प्रशादा पका के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के थाल लाउणा महाराज हाजिर हो के छको आखो साहब तद तक नहीं आपां छकना जब तक तुसी नहीं ये सिलसिला एक दिन नहीं चलिया दो दिन नहीं चलिया चार पांच दिन फिर दोवे महापुरुष बेहोश हो गए आखो सतनाम ही नहीं सी इन्हें दिन फिर वो प्राप्ति हुई मैं बलहारे जावा जी नाने प्यास मैं बलहारे जावा जी नाने प्यास दरस दी उस तो बाद बाबा जी इधर आ गए बाबा जवान सिंह जिन्हों का हूं दो चार दो तीन दिन पहले बरसी का दिन लंघे रिकॉर्ड वर्ल्ड का रिकॉर्ड हवाई अड्डे के अंदर गुरुद्वारा बाबा नंद सिंह जी के साथी बाबा जवंत सिंह जी की जिंदगी विच्चों जीवन विच्चों बहुत ही वड्डी ये खुशबू आउंदी है जिन्हां दे अंदर सच्चाई होवे दर्शनां दी प्यास होवे कीर्तन करन हाजर नाजर सिंह जी बाबा जवंत सिंह कीर्तन करदे
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਝਲਕਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੇ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ, ਰਿਖੀ ਜੀ ਮੰਗੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਜੁਦਾਈ, ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਂ ਕੱਸੇ, ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੱਗ ਗਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਆਖੋ ਸਾਥ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ। ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਿੱਠ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਠ ਲਾ ਸਕਦਾ।